नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट में, और मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की ऐसी एक्शन मूवी की जो कि पुलिस वालों की जिंदगी पे बेस्ड है, और ऐसा कोई ही होगा भारत देश में जिसने ये मूवी ना देखी हो। जी हाँ, आपको बता दें कि मैं बात कर रहा हूं वन एंड ओनली सिंघम की। जी हाँ, सिंघम के दो सीक्वल अभी तक आ गए हैं, बट बात यह है कि सिंघम का जो थर्ड पार्ट है उसका काफी टाइम से वेट किया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि 8 साल हो चुके हैं क्योंकि सिंघम रिटर्न जो है वो आई थी 2014 में, और उसके बाद तब से लेके अब तक भारत के जितने भी सिनेमा देखने वाले लोग हैं वो वेट कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जल्दी से इसका सीक्वल जो है, इसका जो थर्ड पार्ट है वो जल्दी से रिलीज हो जाए। और रोहित शेट्टी पे इस पे काफी ज्यादा प्रेशर है, रोहित शेट्टी पे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी मन है पर्सनली कि सिंघम 3 बनाई जाए, क्योंकि उसके दो पार्ट जो हैं काफी ज्यादा हिट रहे हैं, और बाजीराव सिंघम जो है हमारे वो भी काफी ज्यादा उसमें, जो मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली अजय देवगन की, काफी ज्यादा खतरनाक लुक में उसमें हमें दिखाई दिए थे। और पहली सिंघम और दूसरी सिंघम में दोनों में ही उनका अलग अलग रूप जो है दिखाई दिया गया था। तो पहली पार्ट में हमने देखा था जहां वो मुंबई के गैंगस्टर्स और गोवा के जितने भी जो गुंडे होते हैं उनको खत्म करके वहां से उनको सबक सिखा के एक पूरा दिखाते कि पुलिस की असली पावर क्या होती है, जबकि दूसरे पार्ट में हमने देखा था कि जो फ्रॉड बाबा होते हैं, जो फेक आश्रम लोगों की आस्था के साथ खेलते हैं, उनका पर्दाफाश कैसे करते हैं सिंघम। तो असली पुलिस की पावर क्या है, वो पूरी जो है पुलिस का सम्मान, पुलिस की ट्रिब्यूशन, पुलिस का कॉन्ट्रीब्यूशन लोगों के लिए, मतलब उसमें ये दिखाया गया है कि लोग अगर रात को सोते हैं तो पुलिस वाले जागते हैं, और पुलिस वालों के जागने की वजह से हम चैन की नींद सो पाते हैं। लेकिन थर्ड पार्ट कुछ ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने सिम्बा देखी है, उसके बाद सूर्यवंशी देखी है, तो इसके बाद जो है दोस्तों काफी ज्यादा हिट मुझे लगता है होगी सिंघम 3, क्योंकि इतने सारे अब कंसेप्ट आ चुके हैं रोहित शेट्टी के पास। अब हाल फिलहाल में खतरों के खिलाड़ी में वो बिजी थे, उसके साथ साथ काफी उनकी और भी फिल्में आने वाली हैं। इसी बीच बात की जाए तो अगर सिंघम 3 आती है तो उसका कितना ज्यादा क्रेज होगा, क्योंकि रोहित शेट्टी ने बोल दिया है कि इस साल इसकी मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और इस साल एंडिंग है, 2023 में आपको ये फिल्म देखने को मिल जाएगी। तो आप कितना एक्साइटेड है इस मूवी के लिए हमें जरूर बताएं, और आप क्या सोचते हैं कि इस मूवी में क्या क्या नया चीजें हो सकती है, क्या क्या नई चीजें एड ऑन करनी चाहिए, क्या नया कंसेप्ट सिंघम 3 में लाना चाहिए, हमें जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट।